स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ एक्स टू वाई टू एंड एक्स वाई थ्री आर दीज फॉर द रिएक्शन दिस डेल्टा एच इज -30 किलो जूल एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर शुड बी। देखिए इसमें आपको डेल्टा एस दिया है, डेल्टा एच दिया है और टेम्परेचर आपसे पूछा है। तो इक्विलिब्रियम पे हमने आपको बताया था डेल्टा जी आपका जीरो होता है, तो जब आप डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस रखते हैं, डेल्टा जी को जीरो रख देते हैं, तो आपको मिल जाता है डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि डेल्टा एच तो आपको दिया है -30 किलो जूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेचर आपको निकालना है, बट दिक्कत है डेल्टा एस की। आपको डेल्टा एस ओवरऑल रिएक्शन के लिए नहीं दिया है, बल्कि एक रिएक्शन देके उसके इंडिविजुअल कंपाउंड्स के लिए डेल्टा एस दे दिया है। तो आप कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस फॉर रिएक्शन समेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर रिएक्टेंट। मतलब जब आपको रिएक्शन का एंट्रोपी निकालना होगा तो आप प्रोडक्ट के एंट्रोपी से रिएक्टेंट के एंट्रोपी को माइनस करेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट में भी समेशन मतलब जितना भी प्रोडक्ट है सबकी एंट्रोपी निकाल के पहले जोड़ लो, वो हो गई प्रोडक्ट की। ऐसे जितना भी रिएक्टेंट है, जितना भी रिएक्टेंट है सबकी एंट्रोपी को ऐड कर लो, वो हो गई रिएक्टेंट की। फिर उसको माइनस करके रिएक्शन की कैलकुलेट करो। ठीक है, ओके, अब अपने रिएक्शन पे आते हैं। ये हमको दी हुई है रिएक्शन, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट क्या है एक्स बाई थ्री और एक ही मोल बन रहा है इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी एंट्रोपी आप सीधा लिख देंगे स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एक्स बाई थ्री। ठीक है, एक्चुअली जो कैलकुलेट की जाती है वो स्टैंडर्ड ही कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर वगैरह स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एक्स बाई थ्री माइनस। अब प्रोडक्ट की बात करें, सॉरी रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट में क्या है आपका x2 और y2, तो यहाँ पे हाफ x2 है और आपको जो एंट्रोपी दी है वो एक मोल की दी है, लेकिन यहाँ पे तो केवल आधा मोल यूज हो रहा है, तो आपको भी यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली बाई 2 के लिए भी आपको 3 बाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट। तो इस टाइप से आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा एस रिएक्शन -40 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो आपको मिल गया क्या, डेल्टा एस मिल गया आपको जूल पर केल्विन पर मोल में, और मिल गया आपको डेल्टा एच, डेल्टा एच आपको दिया है -30 किलो जूल, किलो जूल दिया है, तो किलो जूल को आप जूल में कन्वर्ट कर लेंगे पहले 10^-3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका टेम्परेचर निकल आएगा 750 केल्विन। सो आंसर इज ए। थैंक यू।